संसद की 96 साल पुरानी इमारत में कार्यवाही का आज आखिरी दिन रहा। आज़ादी और संविधान को अपनाने की गवाह इस इमारत को बधाई देने के वक्त पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसद वहां पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके साथ एक फोटो भी खिंचवाई और इसके बाद तमाम सांसद सेंट्रल हॉल में पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर देशवासियों को नए संसद भवन की बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि नया संसद भवन 140 करोड़ भारतवासियों के संवैधानिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करता है। नया संसद भवन मानवीय मूल्यों की स्थापना के साथ ही हमारे सशक्त और स्वर्णिम भविष्य का शाश्वत प्रतीक बनेगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की अविराम यात्रा को और गति प्रदान करेगा।